नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। उपली ओडन स्थित नाथद्वारा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान और वल्लभ दर्शन फॉर मेडिकल साइंसेज और नाथद्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के साथ में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजकीय चिकित्सालय नाथद्वारा के PMO नाथद्वारा डॉक्टर कैलाश भारद्वाज और प्रमुख वक्ता कपिल पारीख और अध्यक्षता निदेशक दीपेश पारीख ने की। डॉक्टर कैलाश भारद्वाज ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ लक्ष्य को केंद्रित कर भविष्य को बनाने में रचनात्मक कार्य करें। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में अपने सकारात्मक ऊर्जा से इनोवेशन पर ध्यान देना जरूरी है। कपिल पारीख ने कहा कि देश लगातार बदलाव की कोशिश में है। हमारे सभी उत्पादों बिजली और ऊर्जा कुशल होने के लिए डिज़ाइन की गई है। आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। प्रारंभ में निदेशक दीपेश पारीख ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। साथ ही संस्थान में चल रहे जनरल ड्यूटी असिस्टेंट कोर्स के छात्र छात्राओं ने पोस्टर प्रदर्शनी लगाई, जिसका अवलोकन सभी अतिथियों ने किया। इस प्रदर्शनी में विज्ञान संबंधी विभिन्न संरचनाओं को दर्शाया गया। समन्वयक डॉक्टर पंकज राठी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। संचालन जसवीर कौर ने किया। कार्यक्रम में विभिन्न संकाय के विद्यार्थी और व्याख्याता मौजूद थे। पेश है नाथद्वारा से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। जो मनुष्य का काम आसान कर दे, मशीन को बनाए तकनीक और तकनीकी ज्ञान क्या हो, टेक्नोलॉजी सिंपल। अब इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, वॉर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मीन्स तकनीकी ज्ञान। आपको समझना होगा, अपनी खुद की काबिलियत को समझना होगा और उसके पीछे जुनून के साथ लगना होगा।